आज रात 8 बजे फिर देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना पर होगी बात। देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम को 8 बजे राष्ट्र को संबोधन देंगे। इससे पहले 19 मार्च को पीएम ने देश को संबोधित किया था और जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस पर कुछ अहम जानकारियां साझा करेंगे। देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 500 के पार हो चुकी है और अब तक 10 मौत हो गई हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। कई राज्यों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत देश के कुल 30 राज्यों ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके अलावा लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी एक्शन भी लिया है। लॉकडाउन का कई राज्यों में हुआ था उल्लंघन। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश के 30 राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। लेकिन सोमवार को जो तस्वीरें आई थी उनमें देखने को मिला था कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपील की थी कि वे लॉकडाउन को गंभीरता से लें और राज्य सरकार कानून का पालन करवाएं। पिछले संबोधन में किया था जनता कर्फ्यू का ऐलान। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था। तब भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस पर बात की थी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम कर रहे लोगों के लिए आम जनता से आभार जताने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देशवासियों ने शाम 5 बजे अपने घर की छत पर आकर तालियां थालियां बजाई थी। लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए थे और भीड़ एकत्रित की थी।